तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलवी यादव एंड शिवानी कुमारी के एक कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको अभी तक पता लग गया होगा ना कि एलवी यादव एंड शिवानी कुमारी के बीच में होगा ये एक कंट्रोवर्सी। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था ना कि भाई लव कटारिया एंड उनके फ्रेंड्स गए हुए थे शिवानी कुमारी के घर एंड वहां पे उन्होंने सॉरी वगैरह मांगा ना शिवानी कुमारी से, जो कि एलवी यादव को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। तो इस चीज पर एलवी यादव कल बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे ना अपने फ्रेंड्स लव कटारिया एंड लक्ष्य पे। तो जो एलवी यादव के फ्रेंड लक्ष्य है उन्होंने सॉरी बोला था ना शिवानी कुमारी को, लेकिन शिवानी कुमारी का रिप्लाई आया था कि भाई वो उनको माफ नहीं करेंगी ना। तो इस चीज पर बहुत ज्यादा भड़क गए हैं एलवी यादव एंड वो बोल रहे हैं शिवानी कुमारी को कि वो उनसे माफी मांगे। वो आप खुद देख लीजिए ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरी इनसे बात भी होगी, वो सारी चीजें क्लियर है। बस मेरे को शिवानी से देखो मेरी बातचीत है नहीं, कभी होगी भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता ऑल दो, बट मैं कटारे की बहुत खास दोस्त है, इसलिए मैं जस्ट कटारे से बोलना चाहूंगा कि द वे शी रिएक्टेड आफ्टर दे सेड सॉरी टू हर वाज जस्टिफाइड और नॉट। भाई देखो जस्टिफाइड तो सिंपल सा नहीं, मतलब इन्होंने आगे से सॉरी बोला, इन्होंने अगर कुछ बोला भी होगा तो इन्होंने सॉरी बोला, ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा जेस्चर है भाइयों का। जैसे उसने बोला भाई सिंपल सी बात है, मेरे को भी मैंने व्लॉग तुम्हारे उसके बाद देखा, मेरे को बुरा लगा, मैंने सोचा इसको कॉल भी करता हूँ, पर वो अभी आज बैंगलोर थी, मैं शूट शाट के बात करूंगा। पर यार असलियत में ना वो बैंगलोर में फोन नहीं हुआ, कोई नहीं, वो ऐसी है यार, वो थोड़ी ना समझ सी है, मतलब वो कुछ भी बोल देते जो उसके मुंह में आता है, ये मेरे को भी पता, क्योंकि बिग बॉस के घर में भी वो ऐसी थी। हाँ वो ऐसी है, पर वो मीम नहीं करती भाई इन चीजों को। हाँ मेरे को भी लगा कि हाँ भाई गलत बोल रहा है, ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उस फ्रेम में मैं था भी नहीं, मैंने ब्लॉग भी तुम्हारे बाद देखा, समझा दूंगा उसको भी कॉल करके, मगर भाई ये गलत है, ये चीजें अगर बोलनी भी थी तो हम वहीं पे थे, मेरे सामने भी बोलती हूँ, इनफैक्ट इनको भी कह रहा था, मगर सॉरी मांग लो यार, क्या बात हो गई इसमें, कोई सॉरी मांगने तूने बोला है इनको सॉरी मांगने के लिए? नहीं मतलब मैं तो मजे ले रहा था, बोला भी था पर मजे में बोला था, ऐसी कोई बड़ी भड़क नहीं है यार, वो थोड़ी बड़ बोली है। मैं कहूं ये बालक तो सॉरी मांगने वालों में से तो ना, ये हर जगह मांगने वाले कहना चाह रहे हो कि ये शिवानी में कम अकल है, ऐसा कहना चाह रहे हो? अकल कम नहीं और ना समझ है भाई, बचपन मतलब कुछ नहीं बोल देते ना समझ, मतलब वही अकल कम है। कुछ भी ना बच्चे थे 24 साल। और मेरे को ये अच्छी भी चीज लगी कि इन्होंने जाके सॉरी मांगी, बात मेरी बस ये थी कि उनने जो रिएक्शन दिया वो गलत था, और उसके ऊपर मुझे इन पे गुस्सा आया कि हाउ कैन यू टॉलरेट ऐसी चीजें, और कटारे ने भी कुछ नहीं बोला, और मेरा किसी चीज का गुस्सा नहीं था भाई, मुझे क्या लेना देना, अपना खा रही है कमा रही है, अपने घर में रह रही है, मौज कर रही है, Who cares? नाना भाई सही बात है, देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा एक ओपिनियन होता है, तुम्हें उसकी आवाज पहनी लगती थी, जो भी लगती थी, तुझे ना लगी, पहले लगी थी, बाद में जब ठीक हो गई थी। जब आप किसी के साथ कोई दिन रहते हो ना तो तुम आप उसकी हरकतों को जांचने मतलब पता लग जाता है कि तुम्हें ऐसा ही है भाई, कुछ नहीं कर सकते उसकी है, वो दिल की वो नहीं है, बट हाँ वो बड़बोली है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। देखो मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, शिवानी के जितने भी लोग देख रहे हैं, आई डोंट पर्सनली हेट हर, आई डोंट इवन हेट her, भाई obviously ना मैंने उसको कभी देखा सामने से, ना मेरी कभी बात हुई उससे, और ना मेरा as such कोई ओपिनियन उसको लेके कि मेरे को भाई बुरी ही लग रही है, वो बुरी है, बुरा कोई नहीं होता भाई, बुरी सिचुएशन होती है, जो सिचुएशन जो भी वो क्रिएट हुई और उसने जिस हिसाब से इनके साथ बर्ताव करा, दे आर वेरी क्लोज सारे जने ना, तो तुम लोगों की, तो मुझे लगता है तुम लोगों को ही खराब बोलता तो उसमें मेरे को खराब लगता, ऑब्वियसली बात है, समझ रहे हो कि भाई मेरे को बोला है इनडायरेक्टली, शी डिसरिस्पेक्टेड मी, तो वही बात है सारी, तो उसको बोलना अपोलॉजी की ना। अरे मैं बात ही कराऊंगा, मैं खुद भी कॉल करूंगा ना, मगर एक बार बात तो कर ले भाई, ढंग से देखो मैं तो करूंगा नहीं, इनकी करा देना। तो हाँ गाइस आज के इस वीडियो में कुछ यही अपडेट्स थे ना, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यहाँ पे आपको ऐसी YouTube कम्युनिटी के बारे में अपडेट मिलते रहती है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।